नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम है आपको चैनल गेमिंग टेक में। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग के बीच में यहाँ पे बात कर लूँ आज का जो आईपीएल का मैच होगा आरसीबी वर्सेस किंग्स इलेवन पंजाब के बीच में, उसकी ड्रीम इलेवन की ग्रैंड लीग की टीम, साथ में आपको इस बॉल लीग की भी टीम यहाँ पे दी जाएगी फ्रेंड्स। साथ में आपको बहुत सारे टिप्स ट्रिक्स यहाँ पे दी जाएंगे किस तरीके से आप लोग यहाँ पे टीम बना सकते हैं फ्रेंड्स, कौन सा कॉम्बिनेशन आपके लिए यहाँ पे एज ए की कॉम्बिनेशन साबित हो सकता है फ्रेंड्स, कौन सा प्लेयर आपके लिए एज ए की प्लेयर साबित हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ें बताने से पहले मैं आप लोगों को जो हमने कल टीम बनाई थी उसका परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा लेता हूं फ्रेंड्स। तो हमने जो कल टीम बनाई थी फ्रेंड्स स्मॉल लीग की खासकर, जिसमें फ्रेंड्स हमने ये टीम लगभग बनाई थी, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स। बस फ्रेंड्स, यहाँ पे लास्ट टाइम पे हमें पता चला था कि केन विलियमसन नहीं खेलने वाले और इनके जगह मनीष पांडे खेलने वाले थे, तो बस उतना ही सही हमने चेंज किया था कि केन विलियमसन की जगह जो खेला था मनीष पांडे को हमने चेंज किया था। और ये चेंज फ्रेंड्स, जो लोग मेरे साथ जुड़े मैंने उनको बता दिया था कि किस तरीके से आप लोग इसको चेंज कर सकते हो, और उन तक नोटिफिकेशन भी पहुँच चुका हो फ्रेंड्स, जो लोगों ने हमारी टीम बनाई लगाई होगी और काफ़ी अच्छा अमाउंट भी उन्होंने यहाँ पे विन किया होगा फ्रेंड्स। बाकी रही ग्रैंड लीग की बात, तो ग्रैंड लीग में फ्रेंड्स देख सकते हो जो मैंने टीम बनाई थी, बस उसमें फ्रेंड्स इतना सा था कि केन विलियमसन को हमने कैप्टन लिया था, केन विलियमसन खेल नहीं रहे थे फ्रेंड्स, उनकी जगह जो खेले थे मनीष पांडे तो उनको हमने डायरेक्टली केन विलियमसन की जगह कैप्टन लिया था फ्रेंड्स। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स आपको कमेंट सेक्शन में बता दी थी किस तरीके से आप लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो जिन लोगों ने मैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखा होगा फ्रेंड्स, उन लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच गई होगी, उन लोगों ने काफी अच्छा अमाउंट भी विन किया होगा फ्रेंड्स। जिन लोगों ने नहीं कर रखा चैनल को सब्सक्राइब, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर ले ताकि अब तक हर एक न्यूज मेरी पहुंच पाए, हर एक ट्रिक्स मेरी पहुंच पाए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स टीम नंबर वन की, जो कि मैं बनाई ग्रैंड लीग के लिए। तो फ्रेंड्स ग्रैंड लीग में फ्रेंड्स आज के मैच में आपके लिए आपकी विनिंग डिसाइड करेगा विकेट कीपर का सेक्शन, क्योंकि लोकेश राहुल और पार्थिव पटेल जैसे आपके पास दो अच्छे अच्छे ऑप्शन है फ्रेंड्स, दोनों ओपन करने वाले अपनी टीम के लिए, और ज़्यादातर लोग फ्रेंड्स जाने वाले हैं यहाँ पे पार्थिव पटेल के साथ, क्योंकि आप इस मैच में आपको आने वाला क्रेडिट का इशू, बहुत सारे लोग यहाँ पे आज के मैच में लोकेश राहुल को ड्रॉप करने वाला है। देख सकते हो पिछले मैच में 70% लोगों ने लिया था, आज के मैच में इन्होंने ओनली 47% लोगों ने लिया है। तो फ्रेंड्स हमारे लिए लोकेश राहुल काफ़ी अच्छी चॉइस हो जाती है यहाँ पे स्पेशली ग्रैंड लीग में। बाकी स्मॉल लीग में फ्रेंड्स आप लोग भी अगर क्रेडिट को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो तो आप लोग भी पार्थिव पटेल के साथ जा सकते हो। अब बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में, तो देख सकते हो चार बैट्समैन के साथ मैं गया हूँ, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, डेविड मिलर और मयंक अग्रवाल। इसके अलावा फ्रेंड्स गेल भी आपके पास अच्छे खासे ऑप्शन है, लेकिन मैंने इसमें मेरी ग्रैंड लीग की टीम है फ्रेंड्स, इसमें मुझे रिस्क लेना ही लेना है, तो फ्रेंड्स मैंने इसलिए आज के मैच में इसमें गेल को ड्रॉप करके यहाँ पे लोकेश राहुल को लिया है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स ऑलराउंडर सेक्शन की, तो ऑलराउंडर सेक्शन में मैंने लिया मोइन अली को, जो कि आपको हर एक मैच में विकेट निकालते हुए भी नजर आ रहे हैं फ्रेंड्स, और टाइम आने पर अच्छी बैटिंग भी कर रहे हैं। फिर मार्कस स्टोनिक्स भी फ्रेंड्स ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहे हैं। फिर यहाँ पे क्रेडिट को देखते हुए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिया एच ब्रार को, जिन्होंने कि पिछले मैच में फ्रेंड्स यहाँ पे 11 पॉइंट अपनी टीम के लिए दिए थे और काफ़ी अच्छी चॉइस भी 7.5 में हमें मिल जाती है, हमारे लिए क्रेडिट मेंटेन करने के लिए काफ़ी अच्छी चॉइस ये आज के मैच में होने वाला है। इसके बाद आपके पास ऑप्शन की मैं बात करूँ तो यहाँ पर रविचंद्र अश्विन आपके पास अच्छे खासे ऑप्शन है, सैम करन आपके पास अच्छे खासे ऑप्शन है फ्रेंड्स, तो ये आपके पास यहाँ पे अल्टरनेट ऑप्शन है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स बॉलिंग सेक्शन की, तो बॉलिंग सेक्शन में आप लोग देख सकते हो तीन बॉलर के साथ मैं गया हूँ, ओनली ऑन युजवेंद्र चहल, जो कि हर एक मैच में आपको 2-3 विकेट निकालते हुए नजर आ रहे होंगे फ्रेंड्स। उसके बाद मोहम्मद शमी है, जो भी कंटिन्यू फ्रेंड्स विकेट निकाल रहे हैं जब भी इन्हें मौका मिल रहा। उसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने तीसरे बॉलर के रूप में लिया है नवदीप सैनी, जो कि 8 क्रेडिट में आपको मिलता है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी बॉलिंग लाइन है इनकी फ्रेंड्स, हर एक मैच में आपको विकेट निकालते हुए नजर ये भी आ रहे होंगे, तो हमारे लिए काफ़ी अच्छी चॉइस हो जाती है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन की, तो आपके पास यहाँ पे विल्जोन भी आप काफ़ी अच्छे ऑप्शन है फ्रेंड्स, बाकी यहाँ पे फ्रेंड्स मुजीब खेलते तो मुजीब भी आपके लिए अच्छे खासे ऑप्शन हो जाते हैं फ्रेंड्स। फिर डेल स्टेन आपके पास एक अल्टरनेट अच्छे ऑप्शन है फ्रेंड्स, जो कि आपको हर एक मैच में विकेट निकालते हुए नजर आ रहे, तो आप डेल स्टेन को भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन फ्रेंड्स डेल स्टेन कंटिन्यू 2 बजे से विकेट निकाले, तो फ्रेंड्स इसलिए आज के मैच में डेल स्टेन को यहाँ पर ड्रॉप किया है। तो फ्रेंड्स बाकी स्मॉल लीग में मैं नहीं कहूँगा कि आप डेल स्टेन जैसे बॉलर को ड्रॉप किए, बाकी ग्रैंड लीग में फ्रेंड्स आप लोग ड्रॉप कर सकते हो। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो कैप्टन मैंने यहाँ पे सिंपली लिया लोकेश राहुल को, बस इसका इनका जो पिकिंग रेशियो फ्रेंड्स उसे देखते हुए मैंने यहाँ पे इन्हें कैप्टन लिया है, कि फ्रेंड्स ये ओपन भी करने आएंगे और काफ़ी अच्छी एबिलिटी है इनके अंदर कि काफ़ी अच्छे स्टॉक ये खेल सकते हैं। और वाइस कैप्टन फ्रेंड्स आपको बताया कि हमारे जो विराट कोहली है, जो कि कैप्टन है आरसीबी के फ्रेंड्स, उन्हें लिया है, जो कि आपको कंटिन्यू हर एक मैच में आपको कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आ जाएंगे, तो हमारी टीम ये काफ़ी ज़्यादा बैलेंस बन जाती है यहाँ पे विराट कोहली को वाइस कैप्टन लेने से। तो फ्रेंड्स ये हो रही मेरी टीम नंबर वन, इसका मैं आपको डायरेक्टली प्रीव्यू दिखा लेता हूँ। तो फ्रेंड्स ये है मेरी ग्रैंड लीग की टीम नंबर वन, इस टीम में तभी चेंज करूँगा अगर कोई प्लेयर नहीं खेलता या फिर टॉस के बाद कुछ चेंज होता, कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंज होता, जैसे कि सपोज दैट कि कोई बड़ा प्लेयर नहीं खेल रहा या फिर कोई बड़ा प्लेयर अचानक से खेलने लग गया, तो तभी इस टीम में चेंज होगा। बाकी बात करते हैं फ्रेंड्स स्मॉल लीग की, तो स्मॉल लीग में की टीम मैंने यहाँ पे बना के रखी है आप लोगों के लिए, देख सकते हो आप लोग इस तरीके से मैंने ये टीम बनाई है फ्रेंड्स, ये स्मॉल लीग की टीम है। इस टाइम में इसी टीम के साथ मैं जाऊँगा 2 मेंबर 3 मेंबर फ्रेंड्स, बाकी इस टीम में कोई चेंज होगा तो आपको मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन करके रखिए ताकि कोई भी चेंज हो तो आप तक कोई भी मेरी नोटिफिकेशन, मेरी जो भी मैं अपडेट करूँगा वो आप तक से छूटे ना फ्रेंड्स। तो इसी के साथ फ्रेंड्स मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड गुड लक। और जाने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। तो बाय बाय फ्रेंड्स, गुड लक।